ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कच्चे कर्मचारियों की, जिन पर सियासत लगातार हो रही है और दिख भी रही है। खास पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, सोनील अत्री जी लगातार हैं और शोएब राणा जो कि खुद एक गेस्ट टीचर हैं वो हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ अनिल झासा भी इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ चुके हैं। ब्रेक से पहले शोएब राणा जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी मैं कहना चाह रहा था, अत्री साहब कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं 2011 से एक ही स्कूल में, जाफराबाद स्कूल है, उसके अंदर काम कर रहा हूँ एज ए गेस्ट टीचर। तब से ना कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही किसी को बाहर किया गया, बल्कि और लोग जुड़े हैं उसमें। लेकिन जैसे ही इनकी सरकार बनती है ये वादा करते हैं कि किसी को ना ही तो निकाला जाएगा और सभी को परमानेंट किया जाएगा विदाउट किसी जो कंडीशन के। लेकिन जैसे ही अभी गवर्नमेंट में वापस आए दोबारा से, अब ऐसी पॉलिसी बनाई गई है जिसको लेकर लगभग सभी लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें अभी जो पोस्ट क्रिएट करेगी 9623 हैं और जबकि हमारे गेस्ट टीचर कितने हैं, लगभग 17,000 हैं। तो अगर सारे के सारे भी गेस्ट टीचर इंक्लूड हो जाते हैं फिर भी लगभग इतने लोग बाहर रह जाएंगे, तो कैसी पॉलिसी बनाई गई है? उसमें एक वेटेज नाम के धोखा दिया गया, वेटेज के नाम पर 0.75 वन ईयर और मैक्सिमम 2.25, यानी कि हमारे एक साल का कोई बेनिफिट नहीं है। हम लगभग 5 साल से काम कर रहे हैं तो उसके सिर्फ 5 नंबर भी नहीं मिल पा रहे हैं हमें। ये कैसी पॉलिसी है? शोएब राणा जी, आप पॉलिसी पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर भी मैं जब आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ेंगे मैं चर्चा करूंगा, आपकी बात वहां पर उठाऊंगा। झा साहब ये बताइए, आज आपके नेता, सदन के जो आपके नेता हैं, वो आज उपराज्यपाल के पास गए, उनको ज्ञापन सौंपा गया, क्या आपको नहीं लग रहा कि इन पूरे मसले को लेकर सियासत हो रही है कच्चे कर्मचारियों को लेकर जो कि पिछले दिनों निकाले गए हैं? नहीं, मुझे लगता है क्या रोजी रोटी की बात करना, इसमें सियासत क्या है? हमारी दिल्ली की गवर्नमेंट आई, बड़ी ईमानदार सरकार के नाम पर आई, उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत आएगी तो प्रजा के अंदर समान व्यवहार होगा, कोई हिंदू मुसलमान दुखी नहीं होगा, कोई अमीर गरीब में भेद नहीं होगा। आप हजारों हजार कर्मचारी, ना सिर्फ टीचर बल्कि आपके DTC के अंदर, सेल टैक्स के अंदर और बाकी जगह पर आप उसकी छटनी शुरू कर रहे हैं। ऐसे वेलफेयर की सरकार जो आप दम भरते थे, उस सरकार का ये जो दो मुहा को लोग कहते थे चेहरा है, ये दो मुहा चेहरा नहीं है, ये कई गुना अजीब अजीब तरह का चेहरा आपका सामने आ रहा है। हमारी हुकूमत से अपील है कि आपने ही कहा था 15 लाख नौकरियां हम क्रिएट करके इस दिल्ली की जनता को देंगे। आपका क्या पॉलिसी है कि टैक्सी चालक आपके खिलाफ हो जाते हैं? आपकी क्या पॉलिसी है कि टीचर्स के पीछे आप हाथ धो के पड़े हुए हैं? मनीष सिसोदिया इस प्रकार का एक माहौल तैयार कर रहे हैं कि दहशत का माहौल एजुकेशन सिस्टम के अंदर है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि देखिए जी हम लोगों ने रिजल्ट बेहतरीन लेकर के आए हैं। अरे जिन बच्चों ने दिल्ली के अंदर रिजल्ट बेहतरीन लेके आए हैं उसमें आपका क्या योगदान है? इस दिल्ली, इस सूबे के लोग गरीबी के अंदर बह रह करके डॉक्टर देते हैं, इंजीनियर देते हैं, क्लर्क देते हैं, प्रबुद्ध समाज वर्ग का निर्माण करते हैं, और जो शिक्षक उसके साथ लग करके उस बेचारे को 80% 90% नंबर लाता है उसको आप लात मारते हैं? ये क्या सामाजिक न्याय है? क्या ये गरीब के साथ भेद नहीं है? आपकी हुकूमत जो है बजाय वेलफेयर करने के, बजाय सामाजिक न्याय करने के, आप सामाजिक उत्थान की जगह उसको कुचलना चाहते हैं। और आप किस प्रकार की पोस्ट क्रिएट करेंगे? आपने एक पोस्ट क्रिएट करी जो रात को मोहल्ले में जो लोग कुछ घूमते हैं, किस तरह के लोग शामिल किए गए हैं? आधे से ज्यादा उसमें क्रिमिनल्स लोग हैं जिनके अंदर FIR, जिनके खिलाफ थानों के अंदर FIR दर्ज हैं, जो लोग रेगुलर ह्यूमन बॉडी क्राइम के अंदर लिप्त थे उनको आपने सिक्योरिटी इंचार्ज बना दिया। और उसके अंदर भी जहां तक मुझे जानकारी है, मैं सरेआम कह सकता हूं, 30-40 हजार रुपए आपके विधायक के कार्यालय में विधायक लेता है या नहीं लेता बात अलग है, लेकिन उसका रेट तय कर दिया गया। आप कहते थे कि DTC की बसों में हम सिक्योरिटी देंगे, आज बताइए दिल्ली के कितने सिक्योरिटीज आपने दे दी हैं, किन बसों के अंदर आपने जो सुविधाएं दी हैं? आप ऑडिबन लगाते हैं तो एक बस आप खरीदते नहीं हैं और 3 गुना किराया देकर के आप प्राइवेट बसेस हायर करते हैं, लेकिन आज मसला गेस्ट टीचर्स का है, आज मसला सेल टैक्स का है, आज मसला DTC के ड्राइवर्स और कंडक्टरों का है, आज मसला कच्चे कर्मचारियों का है जिन पर पक्की सियासत हो रही है। ये आम आदमी पार्टी के लोग तो कच्चा या इनरेगुलर इनको मानते ही नहीं थे, वो तो कहते थे ये हमारे परिवार के लोग हैं, इनकी रोजी रोटी की चिंता हमारे, आज इनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। कई बच्चे ऐसे जिनकी नई नई शादियां हुई हैं टीचर्स की, जिनकी शादियां हुई इसलिए थी कि वो टीचर्स हैं, आज वो घर बैठेंगे उनके घर के हालात क्या बनेंगे? और उसके बाद ये जो पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप बताइए जितने भी मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, ये कहते थे हम न्याय करेंगे, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, 5 करोड़ की डिस्पेंसरी होती थी 20 लाख में खोल रहे हैं। सो कोल्ड जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स थे उनके घरों में आप मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, तो आप ओपन टेंडर प्रक्रिया क्यों नहीं करते? आप ईमानदार है ना,
आप टेंडर ओपन कर दो, जिसको टेंडर ओपन हो जाएगा उसके यहां करो, उसको रोजगार मिल जाएगा, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। आपको थ्रेट हुक क्रुक की सियासत करनी है। मैं दिल्ली के आवाम से कहूंगा कि वह इसको सोचे विचारे, उसके साथ हुआ क्या है। 15 लाख नौकरियां आपने वादा किया था, पॉइंट टू बी नोटेड, 15 लाख नौकरियों का वादा किया था इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने। कितनी नौकरियां मिली हैं? मुझे लगता है कि इस पर न्याय हो जाना चाहिए, इस पर सवाल ठीक है, ठीक है, जांच होनी चाहिए। इसमें न्याय कहां है? और उल्टा बाहर निकाल रहे हैं जी, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हमें, पक्का करने का वादा किया था, जबकि हमें बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। हम इसलिए बाहर करे गए कि हमारी एक एसोसिएशन बनी हुई है, तो उनके जो भी कर्म क्या नाम प्रदर्शन करने के लिए जाते थे, उनमें से जो मैन मैन लोग हैं, जो हमारे अध्यक्ष है प्रवीण तोगड़िया, उनको ही बाहर कर दिया गया, जिससे कि हमारा आंदोलन दब जाए। चलिए ठीक है, बताना चाहते कि हमारा आंदोलन दबेगा नहीं। बातें शोएब राणा भी कह रहे हैं, जो तमाम बातें झा साहब ने कही और जो बातें आपने भी कही, चूंकि 10 साल से ज्यादा आपकी भी सरकार रही है, सवाल आप पर भी उठने लाजमी है झा साहब और अत्री जी। जी उस पर भी मैं चर्चा करूंगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ेंगे। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकूंगा, ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।